ये इन्फॉर्मेशन तो हमारी वो आप सब लोग थम दिखा के बोल सकते हैं कि बता सकते हैं कि हमें मंजूर है जी, हमें मंजूर है। तो ठीक है, थैंक यू परमिंदर जी, आप बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, साथ में मतलब एक एक टाइम पे वो उनको पता होता है कि कैसे कितने टाइम पे क्या दिखाना है। तो वेलकम जमीला जी, जमीला बहन। वो म्यूट है। जमीला जी म्यूट ही बहन करके ने खाइए कसम खाई है, कि ना बोलना नहीं। बोलेगी ना सामने ठीक आएगी। है, तो उज्मा करें शुरू हम लोग जी। जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये सीरीज जो है हम लोग मदन चौहान जी के साथ कर रहे हैं योगा के लिए। तो मदन जी के बारे में मैं एक छोटा सा छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बाकी तो मदन जी का इतना हम लोगों ने इतनी वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड कर ली हैं कि हमें पता है कि कितने वो इंटेलेक्चुअल है। तो मदन चौहान इज अ मेंबर ऑफ MWC एंड मैनी अदर सीनियर क्लब इन पील। ही इज हेल्पिंग मैनी अदर्स टू बी फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव एंड स्टेबल। मदन जी योगा सिंस 2007 से योगा के साथ जुड़े हुए हैं और दूसरों को भी इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी जो हमारे साथ हैं वो हेल्दी हों, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इस सीरीज में हमें मदन जी अंडरस्टैंड व्हाट योगा इज, वो हमने पिछले सेशन में हमने उस सुन लिया था। आज का सेशन जो है इनका है बेनिफिट्स ऑफ योगा मेंटल, और इसके साथ साथ ये रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। बाकी सीरीज में ब्रीदिंग, फिजिकल एक्सरसाइजेस, मेडिटेशनल एक्सरसाइजेस। तो मैं अब मदन चौहान जी को फ्लोर देती हूँ कि मदन जी आज का जो सेशन है बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो हम तैयार है बेनिफिट्स लेने के लिए। सो फ्लोर इज योर्स मदन जी। थैंक यू वेरी मच रिंतु जी। कैन आई शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट? लेट मी सी। ओके, डू यू सी दैट? जी यस जी यस जी ओके। जैसे रिंतु जी ने कहा कि योगा इज अंडरस्टैंडिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा, एंड थोड़ा सा हमने लास्ट वीक टच किया था कि योगा क्या है और क्या नहीं है। आज उसका पार्ट नंबर टू है। लास्ट वन पार्ट वन, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, वी गो इनटू फोर, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। एंड पार्ट फोर विल बी मेडिटेशन। इफ वी हैड द टाइम इन द पार्ट फाइव, देन वी विल गो ओवर एज ए होल, एंड आपके क्वेश्चन आंसर भी होंगे उस टाइम भी, और इस टाइम भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं इफ यू वांट। सो अंडरस्टैंड योगा, आई एक्सप्लेन लास्ट टाइम के कोई भी चीज आप करते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, फिर आपको उसकी अच्छाई या बुराई, उसके बेनिफिट्स से पता चल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं। मैं कई दफा एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी चीज लेते हैं बाजार से, आप देखते हैं कि ये कहाँ से बनी है, कैसी आई है, किसने बनाई है, और इसके रिव्यूज भी आप सुनते हैं, देखते हैं कि इसकी अच्छाई क्या है बुराई क्या है। सो व्हाट दैट मीन इज अंडरस्टैंडिंग दैट प्रोडक्ट। इफ यू लुक एट इट, कि योगा एक प्रोडक्ट है, योगा एक चीज है जिसे हम कर रहे हैं। तो आई वांट टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्क्रीन दिस सेइंग ओके। योगा इज द यूनियन ऑफ, लास्ट टाइम देख रहे हैं, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। हमारा शरीर है, हमारा माइंड है, और हमारी आत्मा रूह या स्पिरिट जिसे कहते हैं। इट इन अदर वर्ड इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ दो थिंग्स, यूनियन है उनकी। योग का मतलब होता है जमा करना, एक दूसरे को जोड़ना। हमारी बॉडी माइंड को जोड़ती है, माइंड स्पिरिट को जोड़ता है, स्पिरिट बाद में बॉडी आ जाती है। सो ये तीनों का है।
बेनिफिट्स ऑफ योगा जो आज का है वो ये है कि कंट्रोलिंग एन इंडिविजुअल माइंड, दैट्स द मेन थिंग, कंट्रोलिंग द इंडिविजुअल माइंड, वी टॉकिंग अबाउट द माइंड ओनली, कि माइंड क्या चीज है और वो हमें क्यों जानना चाहिए उसके बारे में। ये है जो हमने पहले भी बात की थी कि इट्स ए फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन टू कीप द बॉडी एंड पीस एंड माइंड। और ये योगा जो है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है, कि आजकल देखिए जितने बहुत से लोग ऐसे आपको देखने मिलते हैं कि दे आर वेरी स्ट्रेस्ड। मैं आज ही सुबह किसी से बात कर रहा था तो जो मैं उससे बात कर, उसने कहा कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी मच फीलिंग डाउन। तो मैंने उसको कुछ बातें कही, मैंने कहा आप मेरे से, मैंने बिलीव करें मैं उससे कोई ऑलमोस्ट आधा एक घंटे के करीबन बात की। तो नेक्स्ट वन इज जो फिजिकल करता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में। अगर हम किसी चीज को खड़ा कर दें, रहने दें, तो वो उसको जंग लग जाता है और वो क्या है कि वो काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही हमारा शरीर, हम जो हैंड को ऐसे नहीं करेंगे तो ये हैंड की जो फिंगर्स हैं वो भी फ्रीज हो जाएंगी, वो भी जाम हो जाएंगी। तो इसलिए जो मोबिलिटी है, एक्सरसाइज है, वो बहुत जरूरी है। अब हम करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, वो माइंड है, वो क्या चीज है। आपको बहुत से लोगों को पता है, हमारे साथ डॉक्टर जी भी हैं, अगर मैं गलत करूं तो प्लीज मेरे को करेक्ट कर देना। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, ये मेरी अपनी कलेक्शन की हुई हैं चीजें जो कि मैंने बहुत सारी गूगल से ली हैं। उनको मैंने सिंपल लफ्जों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमारा जो ब्रेन है, अगर आप सोचें तो ये इस अखरोट की तरह है, आपने देखा ना अखरोट सभी ने, वॉलनट। अगर इसको अंदर से भी देखेंगे तो बड़ा जो ब्रेन है उसी तरह वो, इसको कहते हैं कि ब्रेन के लिए जो अखरोट ज्यादा खाना जरूरी है, इसको खाना चाहिए आपको। अब देखिए जो हमारा जो ब्रेन है, दिस इज द बेसिकली पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? आंखों से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, मुंह से जो बोलते हैं, और टच से है, जो हम टच करते हैं। हमें टच करते लगा पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडी है या कुछ और उसके हैं। तो जो हमारा ब्रेन है ये है इंफॉर्मेशन कलेक्टर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर उसको जो हमारा कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड है, फिर वो इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आप देखें कि आप अगर हाथ लगाएं किसी चीज को और वो अगर गर्म होगी तो हाथ अपना एकदम पीछे हट जाएगा उससे, ठंडी होगी तो भी लगेगा। तो इट इज सेंडिंग द सिग्नल्स कंट्रोल, जैसे हमारे पास रिमोट कंट्रोल होता है, हम बटन दबते हैं टीवी ऑन हो जाता है, बटन दबते हैं टीवी बंद हो जाता है। हमारा भी ये जो ब्रेन है एक कंट्रोल बॉक्स है। अभी राइट हैंड साइड में देखेंगे कि इसके जो ब्रेन के हिस्से हैं, मैं मेन लूंगा, ये जो है जिसे सेरिबुलम कहते हैं, ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है। ये हमारी गर्दन के पीछे होता है। जब आदमी का बैलेंस खराब होता है तो यहां से पहले खराबी शुरू होती है। ठीक है डॉक्टर जी, मैं डॉक्टर से पूछने से ठीक है बात अच्छी है। और देखिए ये जो पार्ट है ब्रेन का, इसमें है इंटेलिजेंस, लैंग्वेजेस, सेंसेशन एंड रीडिंग। अगर हमारे कभी ब्रेन में ऐसी खराबी होगा, हमको जिन नहीं पता चलते, मतलब दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज गॉन रॉन्ग। अब ये जो फ्रंटल फ्रंटल इसमें है मूवमेंट्स, इंटेलिजेंस, बिहेवियर एंड मेमोरी। अगर ये टेम्पोरल जो पार्ट है, इसमें है हमारी स्पीच, बिहेवियर, मेमोरी, हियरिंग, विजन। तो ये देखिए कितना बड़ा है हमारी बॉडी का हिस्सा, इतना बड़ा नहीं है बॉडी का हिस्सा जो ब्रेन है हमारा, ये ओनली अबाउट दिस मच होगा। और ये सारे का सारा हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसको अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, जैसे है कहें हमारी मेमोरी लॉस हो रही है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ब्रेन का, वहां पर हमारे कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ नुक्स हो रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग है, हमारी आवाज नहीं निकलती,
हम सुन नहीं सकते, तो यू कैन सी दैट दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग ऑल दैट। तो अगर हमारा बैलेंस खराब होता है तो दिस पार्ट, अभी ये देखिए जहां है ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, स्वॉलोइंग, कॉन्शियसनेस, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दिस नर्व दैट गोज इनटू अवर स्पाइन थ्रू द नेक। सो आज हम जो बात करेंगे थोड़ी नेक और ब्रेन की, उससे यानी कि नेक से ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट, आपको टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं इसमें, ना मेरे को है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी बॉडी बहुत सी कंट्रोल हो सकती है। अभी जैसे मैंने कहा ये देखिए आपको ये अखरोट बताया था, दिखाया था, ये अंदर है उसके हिस्सा। अभी ये आपको पता होगा बहुत से लोगों को कि ये हमारा जो है, ये हमारा ब्रेन क्रॉस्ड है, लेफ्ट जो है राइट वाला लेफ्ट को जो कनेक्टेड है, लेफ्ट वाला राइट को कनेक्टेड है, और ये आप देख रहे हैं जब ये राइट हैंड है इसका सारा हिस्सा जो है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा जो है ब्रेन का सारा कुछ राइट को कंट्रोल करता है। और ये कुछ इसके लिखे हुए हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि अभी किसी को कभी स्ट्रोक होता है तो कहते हैं कि कौन से हिस्से में हुआ स्ट्रोक, अगर लेफ्ट साइड के बॉडी में हुआ इसका मतलब उसका राइट साइड ऑफ द बॉडी जो है वो डैमेज हो गया। उसमें क्या है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन आपका ये काम करता है, उसकी इमेजिनेशन चली जाएगी, उसकी टोन ऑफ सिंगिंग वॉइस चली जाएगी, उसको पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना काम हो जाएगा, उसकी वर्बल बोलना खराब हो जाएगा, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, ये सारी उसकी अफेक्टेड हो जाएंगी। अगर राइट साइड में उसके पैरालाइज हुआ है तो उसका लेफ्ट ब्रेन डैमेज हुआ है, उसका मतलब है कि उसको जो मैथमेटिक्स है, एनालिसिस है, लैंग्वेज है, वर्बल्स हैं, थिंकिंग वर्ड्स हैं, जहाँ उसका लॉजिक जो है, कंप्यूटेशन लॉजिक मीन उसको कैलकुलेशन, वो उसकी डैमेज हो जाएंगी। और आपने देखा है, सुना है कि औरतों और आदमियों का ये डिफरेंस है कि उनका एक पास हिस्सा जो मोर इमोशनल है और एक पार्ट मोर लॉजिकल है। अब जो लॉजिकल पार्ट है जैसे लेफ्ट पार्ट, वो आदमी कहते हैं कि आदमी का ब्रेन लेफ्ट ज्यादा काम करता है, लेडी का ब्रेन राइट ज्यादा करता है, क्योंकि वो सेंसेशनल हैं, वो इमेजिनेटिव हैं, वो कनेक्टर मेकर्स हैं। सो इसीलिए मेल एंड फीमेल में ये डिफरेंस है उनकी सोच में, लेकिन ओवरऑल जो ब्रेन है दैट्स व्हाट इट इज द ब्रेन यू डूइंग इट राइट। उसके बाद में यह है ओके, व्हाट इज द हैवीएस्ट बर्डन यू कैरी, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द हैवीएस्ट वेट यू कैरी, वरीज, कौन सा वरीज, वरीज, अच्छा उसका वेट है लगता आपको, ठीक है चलिए, और कौन सा कोई क्या बता गया, बस द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द बर्डन यू कैरी है, कोई एनीबॉडी कैन से दैट टेल मी, चलो मैं ही बता देता हूं आपको, वो आपका जे वाला है, देख रहे हैं आप अपना बोझा एक गाड़ी पर उठा के चल रहे हैं, जो उन्होंने सिंबॉलिकली बताया है कि सबसे हमारा जो हैवी पार्ट है जो हम कर रहे हैं। आप क्यों कहते हैं मेरा सिर भारी हो गया, आप कहते हैं ना पंजाबी में मेरा सिर भारी हो गया, क्या उसके ऊपर आपने कोई दो मन का वजन रख दिया, नहीं आपने ऊपर कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर भी आपका जो सिर है वो भारी हो गया, क्यों भारी हो गया, क्योंकि अब आपकी जो सोचनी शक्ति है वो कम हो गई है, आपकी जो उसकी बैलेंसिंग पावर है वो कम हो गई है, आपको कोई भी वजन कब लगता है कोई भारी वजन आप उठा रहे हैं, जब जो उठाने वाला हिस्सा है वो कमजोर है जाएगा तो दूसरा उसके ऊपर भारी हो जाएगा। सो इसी तरह जो ब्रेन का है हिस्सा वो आपके ऊपर जब भारी हो जाता है, मीन आपकी सोचने की जो शक्ति है, जो थिंकिंग पावर है, जो एनालाइजिंग पावर है, जो इमोशनल पावर है,
वो सारी कम हो गई हैं। हम क्यों कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो गया? सिर में दर्द कहां से आ गया? कुछ हिस्सा जो मैंने पहले बताया पिक्चर में, कुछ हिस्सा आपका थोड़े टाइम के लिए उसने काम करना छोड़ दिया, जहां उसका काम कम हो गया। जब उसने काम करना छोड़ दिया तो दूसरी चीजों ने उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। जब दूसरी फंक्शन ने कंट्रोल कर लिया तो आपको वो पार्ट जो है हैवी लगा, वो पार्ट में वहां आपको पेन महसूस होने लगी। ये भी आपने सुना है कि जब भी आप ऐसा हो तो आप रिलैक्स मोड में जाए, रिलैक्सेशन करें। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? अपने को जो वजन है ऑन द हेड, जो आपकी थिंकिंग वेट है, उसको कम करें। जब आप उसको कम करेंगे तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, व्हाट इज द हैवीएस्ट बर्डन यू कैरी इट आर योर थॉट्स इन योर हेड। कोई आपके ऊपर वेट नहीं रखा हुआ 10 किलो का या 20 किलो का सर के ऊपर, जो आपके थॉट्स है ना, दे आर द वन मेक इट हैवी। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे तो यू विल ऑलवेज फील हैवी, दर्द सिर में, सोचने की शक्ति कम। अगर आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सी जगह को आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या है जो हमने लास्ट वीक भी किया था, व्हाट इज योगा, मैंने बताया था लास्ट वीक। सो व्हाट इज योगा, कैन यू टेल मी समबडी? जी तो जी आप ही बता दीजिए। जुड़ना, जोड़ जुड़ना। और कोई? माइंड एंड सोल का जोड़। ओके okay. मैंने लास्ट वीक बताया था जी व्हाट इज योगा, कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन बॉडी माइंड एंड सोल को, बॉडी माइंड एंड सोल, दैट्स ऑल गुड। आई जस्ट रिमाइंड यू अगेन, इट्स अ बैलेंस बिटवीन योर माइंड बॉडी एंड सोल। यस, इफ यू कैन नॉट बैलेंस इट, यू गोइंग टू ड्विंडल, यू गोइंग टू फॉल लेफ्ट राइट बैक और फॉरवर्ड, राइट। अगर आप ये सीख लें इन तीनों चीजों में, बॉडी माइंड एंड सोल में बैलेंस करना, तो बहुत सी हमारी जिंदगी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। अब उसको आप कैसे करेंगे बैलेंस करना? पहले तो सोच है माइंड, फिर बॉडी है खुराक जो हम खाते हैं, वो कैसे खाते हैं, फिर है सोल, हमारी जो आत्मा है वो हम उसको उसके साथ कैसे कनेक्टेड है। मैंने ये भी बताया था लास्ट टाइम कि सोल क्या है, व्हाट इज सोल, बताया था ना आपको। सोल इज, अभी मैं अभी बताऊं, आप मेरे कमरे में आप देख रहे हैं कि बिजली चल रही, जग रही है, ठीक है ना। अगर मैं उसको स्विच ऑफ करूं तो क्या हो जाएगा? एनर्जी। एनर्जी, आदमी जब मरता है उसकी सोल निकल जाती है, तो उसका क्या हो गया, सारा काम बंद, स्विच ऑफ हो गया उसका, उसकी एनर्जी खत्म जी। जब तक आप में एनर्जी है तब तक आपकी आत्मा सोल रूह काम कर रही है। रूह सोल आत्मा जो है कोई बाहर की चीज नहीं है कि जहां को आसमान में बैठी है, नहीं, वो आपके अंदर ही है। जब तक आप चल फिर रहे हैं आपके अंदर एनर्जी है, आपकी रूह जो है, सोल जो है, जो आत्मा है, वो आपके साथ है। हम क्यों कहते हैं कि इसकी आत्मा निकल गई, उसकी एनर्जी निकल गई, लाइट बल्ब फ्यूज, लाइट नहीं बल्ब फ्यूज हुआ, स्विच फ्यूज हो गया, आपका स्विच बंद हो गया। जहां से सोर्स से आपको एनर्जी आ रही थी वो सोर्स बंद हो गया। स्विच तो चलता है जी, कई दफा बल्ब खराब होता है। मैंने यही काम, बल्ब की बात नहीं कर रहे, बल्ब आप हैं, एनर्जी बाहर से आ रही है, बल्ब आप हैं, आपको जगाने वाला कौन है जो एनर्जी दे रहा है आपको, ठीक है ना। जब आपका स्विच खत्म बंद हो जाएगा तो आप चाहे ठीक हो जो खराब हो, आपकी आप यू आर आउट। अभी मैं स्विच ऑफ कर दूं तो मेरा जो बल्ब जग रहा है वो बंद हो जाएगा। हाँ, अगर बल्ब भी मेरा बंद हो गया, इसका मतलब मैं उसको, मेरी एनर्जी ठीक है, मैं उसको रिपेयर कर सकता हूँ।
मेरी बॉडी में कोई बीमारी हुई है वो मेरा बल्ब है, उसको मैं डॉक्टर के जाके चेंज करवा सकता हूँ। हम बॉडी के पार्ट बदलते हैं, हार्ट बदलते हैं, किडनी बदलते हैं और कई पार्ट बदलते हैं, घुटने बदलते हैं, वो हमारा क्या बल्ब चेंज कर दिया हमने। हमारे अंदर एनर्जी है लेकिन जो बल्ब था वो खराब हो गया, हमने क्या किया उस बल्ब को चेंज कर दिया। चाहे उसको हमने तार लगा के किया, मैंने कोई दवाई लेके या योगा करके, जहां उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये जो आपने कहा मोनी जी, जो बल्ब है वो हमारे बॉडी के हिस्से हैं, जो रूह है सोल है वो हमारी एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी आपके मैं कहता हूँ हाथ पर नहीं जाएगी तो आपका हाथ जो पेपर भी नहीं पिकअप कर सकेगा। तो इसलिए इसको रखने के लिए तीनों चीजों को आपने को इकट्ठा रखना है। बस ये मेरा ऑलमोस्ट इज फिनिश विद दैट माय प्रेजेंटेशन। आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट द बॉडी, मीन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जैसे हार्ट का, थोड़ा सा लंग्स का, थोड़ा किडनी का, थोड़ा स्टोमक का, मैं थोड़ा थोड़ा लेके उसको करूंगा नेक्स्ट वर्ग। So with that, I'm saying thank you very much for listening and I'm stopping sharing here. और उसके साथ ही मैं आपको चाहूंगा कि ये जो जो भी चीज हम कर रहे हैं ना, this all start with the intention, power of intention. देखिए कहाँ पर शुरू होती है, जो ब्रेन में, ब्रेन से आपकी जो भी इंटेंशन है वो जहां से स्टार्ट होगी, फिर आपको उसको एक्शन देंगे, आपको कुछ करेंगे। जब करेंगे तो वो रिजल्ट होगा जो मैंने पहले बताया ये वाला, फिर ये आपका जो है फ्यूचर शुरू हो जाएगा। पहले आपको बीज बीजना है, वो बीज जो है वो इंटेंशन है आपका। आपके अंदर धारणा कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी इंटेंशन कैसी है। सो विद दैट आई से थैंक यू वेरी मच एंड वी डू फ्यू मिनट्स एन एक्सरसाइज नाउ व्हाइल सिटिंग देयर। जैसे मैंने कहा वी डूइंग ये जो हमारा है नेक से ऊपर, सबसे जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स बॉडी में जा रहा है, नर्व सिस्टम, वो इतनी ये जो नेक है चार पांच इंच की, इसी के बीच में से पाइप में से सबको नीचे जा रहा है। जब आपको कोई कार में झटका लगता है ऐसे या कुछ होता है तो पहले आपका जहां डैमेज होता है फिर आपके नीचे की बॉडी बंद होती है। तो दिस इज द controlling system, the wires going through your other parts of the body. जैसे मैं कहूं कि आपका जो main switch है, एक sub switch है, जो जो sub switch से सारा part आपकी body में जाता है, वो उसको चलाता है। अब इस गर्दन की exercise के लिए है, बहुत slowly है हमने करना है। पहले हम left को देखेंगे ऐसे, जितना देख सकते हैं आप, वहां आप पांच count करके उसको stop करें, फिर slowly in the center, फिर राइट को पांच तक गिने, फिर सेंटर में, फिर लेफ्ट को सेंटर, फिर राइट को। इस तरह आप दिन में जहां भी बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, कहीं हैं, अपने गर्दन करिए। उससे बाद क्या करेंगे, हम नीचे देखेंगे जमीन पर ऐसे जितना कर सकते हैं, बॉडी को बेंड नहीं करना, सिर्फ नेक को बेंड करना है। लुक डाउन लाके आपके पैरों में देखें, काउंटर टू फाइव, देन स्लोली लुक अप टू द सीलिंग एंड स्लोली फिर डाउन नीचे सेंटर अप। अब हमने इसको रोटेट करना है लेकिन वेरी स्लो। ये जो गर्दन की मूवमेंट्स है ये आपके डैमेज कर सकती है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये आपको क्रिपल कर सकती है, आप नकारा हो सकते हैं जिंदगी में इसी की छोटी सी मूवमेंट पर। तो इसलिए करना है स्लोली, एक तरफ से वेरी स्लोली, अगर नहीं कर सकते तो ना करिए प्लीज ऐसे। ओके, दूसरी तरफ ऑपोजिट,
और एक और चीज बताऊं, जो मेरे ख्याल में मोस्टली सभी के घरों में होता है। अब मैं जहां बैठा हूं, मेरा टीवी इधर है मेरे लेफ्ट को, तो मैं जहां बैठा हूं ऐसे देख रहा हूं उसको सारा दिन, मेरी बॉडी सामने सीधी है, मेरी गर्दन ऐसे, तो एक आधे घंटे के बाद मेरी गर्दन को सीधा करूंगा तो वो नहीं होगी, दर्द होगा। इसलिए ऐसा नहीं देखें, अपनी बॉडी को उस तरफ ऐसे कर लें, बजाय आपकी गर्दन को बेंड करने के आपकी बॉडी को बेंड कर लें, कोशिश करें को बेंड उसको सीधा देखें। और सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी और 20th सेंचुरी की, वो जे वाला है। सबसे बड़ी जो हमारी फ्यूचर प्रॉब्लम आ रही है ना, जो आएंगी आज से 20 साल बाद, सभी नेक की होंगी, आपके हाथों की होंगी, आपके शोल्डर्स की होंगी, आपके हाथ चलने बंद हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे बच्चे हैं ना, आज से 30 साल बाद वो ये पेन नहीं उठा सकेंगे। क्या बात है जी उस्मा। बात ये है कि जो हम इसको यूज कर रहे हैं, अभी आपको मैं फिगर दूं, आप मैं सीधा बैठा हूं, मैं ऐसे गर्दन की है, मेरी गर्दन के ऊपर 30 पाउंड वेट है हवा का, सीधी है तो मेरे ऊपर वेट ऐसे है तो मैं सीधा है, अगर मैं ऐसे बेंड किया तो उसने वेट ने मेरे को पुश कर दिया नीचे को, जब पुश किया तो मेरे जो बोन्स हैं नेक की, दे आर गोइंग टू बी हर्ट विद द टाइम, दे गोइंग टू बी सो मच हर्ट दैट आई कांट मेक इट स्ट्रेट। आप क्या कहते हैं आज देखते हैं सभी के, आपका वॉकिंग या स्टैंडिंग जो है, स्ट्रेचर या उसका पॉस्चर जो है वो ठीक नहीं है। तो हम जब वॉक करते हैं ना, तो मैं अभी बता ही दूंगा आपको, जब वॉक करते हैं ऐसे है, फोन मेरे हाथ में है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो मेरी गर्दन क्या है, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, इस फोन को जब करना है ऐसे अपने फेस के सामने रखो, ताकि आपकी जो गर्दन है वो कम बेंड हो, और इसको ऐसे तो बिल्कुल मत करो, और ऐसे भी बिल्कुल मत करो। हम क्या करते हैं, लोग जैसे पता नहीं मेरी कोई चोरी कर लेगा, और सोने से पहले तो इसको कम से कम मैं कहता हूं 15-20 मिनट तो आराम दे दो ना, जे ज्यादा नहीं तो चाहिए तो वैसे 1 घंटा पहले, लेकिन क्या हम इस जिंदगी में जो मैं चल रहे हैं उसको 1 घंटा, क्या हम तो 1 मिनट भी नहीं कर सकते। अभी रात को 2 बजे टिंग 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 बाद में उठते देखते क्या हो गया, पता नहीं दुनिया खत्म हो गई है। तो इसको ऐसा करो जो करते हैं, एक तो पहले इसको अपने पास में ना रखें बेड में, क्योंकि इसमें रेडिएशन है, और रेडिएशन विदाउट नोइंग इट ट्रेवल कर रही है आपको विदाउट सीइंग इट। इसको कम से कम आप 2-2.5 फीट अपने से दूर रखें, अगर हो कोशिश हो सके तो रात को सोने के बाद या सोने के टाइम इसको म्यूट पे कर दें या वाइब्रेट पे कर दें, ताकि आपको वेक अप नहीं करे, राइट। सो सबसे बड़ी हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो दिस इज द वन गोइंग टू कॉज इट। मैं भी उसी में हूं, आप भी उसी में हैं, आपके बच्चे भी इसी में हैं, राइट। और इसी से क्या है कि हम बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, गेम खेलते हैं कंप्यूटर पर, गेम खेलते हैं फोन पर, और कैसे लगे हुए ऐसे, कोई मेरे को देख ना ले, कोई मेरी कोई इन्फॉर्मेशन चोरी ना कर ले मेरी, राइट। तो इस तरह से जो हो रहा है, और दूसरे अपने आप सोने से पहले में हो सके तो ऐसे अपने मसाज करें मसल्स को, फेस को बिल्कुल बोले बोले ऐसे आप फेस को करें, आपके कानों को, आपकी नेक को मसाज करें ऐसे आप दोनों हाथों से। ये तो आप जरूर करें सुबह उठ के भी, सोने से पहले भी अपनी नेक को आप मसाज करें, और ये जो शोल्डर्स हैं अपने हाथों से ऐसे अपने आप दबाएं, और हाथों को ऐसे करते रहें, और ऐसे जैसे भी है जो कुछ भी है मूवमेंट करते रहें, जैसे भी आप करनी है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि वही है, आप ऐसे खींचे इनको उंगलियों को ऐसे करें। As long as you keep on moving, your body is moving. वो पता क्या कहते हैं, मेरे को उर्दू का नहीं पता, मैं हिंदी में कहता हूं, गति में शक्ति है, पावर इज इन मोशन,
उर्दू में क्या कहते हैं उज्मा जी, आप बता दीजिए। हरकत में बरकत। हरकत में बरकत। देखिए ना, जब आप में आपके अंदर एनर्जी है तो आपके अंदर हरकत है, जब वो सोल एनर्जी रूह गई तो आपकी हरकत बंद। सो विद दैट आई से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का, थैंक यू वेरी मच।